कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे हैं। मैं हूं आयरिस माइती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नए शो में जिसका नाम है किस्से कहानियां। अब ये शो थोड़ा हटके है, ये कोई नॉर्मल शो नहीं है। यहाँ पे मैं सुनाऊंगी आपको इंटरेस्टिंग और गूज़बम्स आने वाले क्राइम स्टोरीज, पर अपने मेकअप स्किल्स के साथ। अब वक्त है मर्डर मिस्ट्री रोलर कोस्टर राइड डिस्क्लेमर का। वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग। ये कहानियां सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, इससे हम किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए मेरा सभी के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, इसे एंजॉय करिए। आज की स्टोरी का नाम है नरभक्षी और उसके मेन कैरेक्टर है अहमद फरीद। ये नाम जितना ट्विस्टेड है ना, ये इंसान उससे भी ज्यादा ट्विस्टेड है। कंप्लीट साइकोपैथ, पागल, समझ रहे हैं, पागल। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद आवर फेवरेट एक्टिविटी, मेकअप। अहमद, जैसे कि मैंने कहा, एक साइको था, पूरा साइको। उसे लोगों को मारना बहुत पसंद था। हाँ, जैसे मुझे मेकअप करना पसंद है, कुछ लोगों को खाना खाना पसंद है, किसी को टूरिज्म का शौक है, वैसे अहमद को मर्डर करना पसंद था। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, उसे मर्डर करना पसंद था। अहमद फरीद भोपाल का रहने वाला था। 1920 में उसका जन्म एक बहुत ही बड़े परिवार में हुआ, पर जन्म के 5 साल के बाद ही उसके पापा गुजर गए। तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो परवरिश थी उसके रिलेटिव्स ने की। अहमद 18 साल का था जब से उसने छोटा मोटा काम चालू कर दिया था। अब अहमद ने अपने जिंदगी में बहुत से क्राइम्स किए थे, बहुत सारे, पर कभी भी पकड़ा नहीं गया। तो जाहिर सी बात है, कोई केस नहीं बना। इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता गया और वो मर्डर और रेप्स करता गया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अहमद को लड़के पसंद थे। वो बच्चों को किडनैप करता, उन्हें फिजिकली सेक्सुअली असॉल्ट करता और जब मन भर जाए उन्हें मार देता। अब आप मुझे बताइए, एक 18 साल का बच्चा अगर मर्डर कर सकता है तो वो आगे जाके सोच के भी डर लगता है ना? अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, अहमद का ये जो पागलपन है, ये जो फितूर है मर्डर करने का, वो भी बढ़ता गया। अब उसे अपना जो शहर है वो बोरिंग लगने लगा, मन भर गया उसका। उसे लगा, क्यों ना मैं आजू बाजू के जो गांव है वहां जाऊं अपने शिकार ढूंढने, वहां पे तो कोई मुझे पहचानता भी नहीं है, तो वहां पे मैं शिकार ढूंढूंगा, उन्हें मारूंगा और फिर वहां से भाग जाऊंगा। अब एक खास बात थी, अहमद सिर्फ शातिर नहीं था, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग थे। उसे इंग्लिश बोलना आता था, उसे अच्छे कपड़े पहनने आते थे और लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता था। ये सिलसिला चालू रहा। फिर 1970 में ऐसे ही शिकार ढूंढते ढूंढते वो इंदौर के एक गांव में पहुंचा और वहां पे उसे एक बड़ा सा घर नजर आया। वो घर धर्म सिंह का था। जैसे ही वो घर के अंदर चला गया, उसने वहां पे बताया कि वो एक गवर्नमेंट क्लर्क है और वो सर्वे के लिए आया है। अब उसके कपड़े पहनने के ढंग से और बातचीत के ढंग से धर्म सिंह उसकी बातों में आ गया और नेक्स्ट डे उसे लंच के लिए बुलाया। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, अहमद को लड़कों में इंटरेस्ट था, तो जाहिर सी बात है उसका अगला शिकार कौन होता? धर्म सिंह का बेटा अर्जुन। पर उसी वक्त धर्म सिंह की बेटी गीता, जो कि 11 साल की थी, उसकी नजर में आती है। फिर क्या, उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने सोचा, क्यों ना इस बार मैं लड़की पे ट्राई करूं। ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था। अहमद ने कभी भी किसी लड़की को फिजिकली असॉल्ट किया नहीं था, पर इस बार उसने कुछ और सोचा।
आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 हफ्ते के अंदर ही गीता गायब हो गई। शी वेंट मिसिंग। शाम को नारायण सिंह, जो धर्म सिंह के कजिन थे, उनकी बेटी का बर्थडे था, तो वो खुद गीता को लेने धर्म सिंह के घर पहुंचे। रात बहुत हो चुकी थी पर गीता अब तक घर नहीं पहुंची, तो धर्म सिंह बहुत टेंशन में थे। तो धर्म सिंह ने सोचा, क्यों ना मैं ही जाकर अपनी बेटी को ले आऊं। तो वो नारायण सिंह के घर पहुंचे। घर पहुंचने पे उन्होंने देखा क्या कि गीता ऑलरेडी मिसिंग थी, सब उसे ढूंढ रहे थे। बहुत ढूंढा उन्होंने पर गीता कहीं नहीं मिली। जब गीता नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में इत्तला दी। फिर पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया, सब जगह ढूंढा पर गीता तभी भी नहीं मिली। तो पुलिस को लगा कि गीता को लेके जाने वाला आखिरी इंसान नारायण जी थे। पूरा शक नारायण सिंह पे आया। नारायण पे 2 साल केस भी चला, लेकिन सबूत ना होने के वजह से केस बंद हो गया। अब तो सबने गीता के वापस आने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। अचानक 8 साल बाद गीता की माँ सुनैना देवी को एक लेटर आता है। उस लेटर को उनका बेटा अर्जुन पढ़ के सुनाता है। उस लेटर में अहमद ने लिखा था, सुनैना देवी जी, आपको याद नहीं होगा पर आपके घर पे बैठ के मैंने चिकन खाया था। मेरी नज़र आपके बेटे अर्जुन पे थी क्योंकि मुझे हमेशा से ही लड़के पसंद हैं। लेकिन उस दिन जब आपकी 11 साल की बेटी गीता मेरे गोद में खेल रही थी ना, तब मैंने इरादा बदल दिया। फिर मैंने आपके घर के पास एक होटल किराए पे लिया और वहाँ रुक गया। पूरा 1 हफ्ता उसका पीछा किया, क्या करती है, कहाँ जाती है, सब। फिर उस दिन मैंने देखा एक इंसान उसे अपने घर ले जा रहा था। शायद उसकी बेटी का बर्थडे था। मैं वहीं उसके घर के बाहर रुका रहा। फिर क्या, गीता खेलते खेलते बाहर आई और उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। पहचानती कैसे नहीं, उसके फेवरेट टॉफी अंकल जो थे हम, उसे मैंने बेला फुसला कर बोला कि चलो बेटा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो वो आ गई। गीता ठहरी छोटी सी बच्ची, अब बच्चे तो सब पे यकीन कर लेते हैं, नेचर ही ऐसा होता है ना उनका। इसी का तो फायदा उठाया मैंने और उसे अपने साथ अपने घर ले आया और अपने इसी हाथों से उसको मार डाला। छोटे छोटे टुकड़े करे थे उसके, उसके अथड़ियाँ और दिमाग का पोषण छोड़ के सब कुछ खा लिया था मैंने। 9 दिन लगे थे, 9 दिन उसे खत्म करने में। एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, आपकी बेटी ना बहुत टेस्टी थी, आपके हाथों से बना उस चिकन से भी ज्यादा। ये बात सुन के सुनैना देवी बेहोश हो गई। गीता को गायब होकर 8 साल हो गए थे, केस भी बंद हो चुका था, पर पुलिस ने अब केस रीओपन किया। वो लेटर एक यूथ हॉस्टल के लेटर हेड पे लिखा हुआ था और उस पे यूथ हॉस्टल का जो वार्डन है रमेश शाह, उसका नाम भी था। तो पुलिस ने रमेश शाह को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि रमेश शाह एक भाड़े के घर में रह रहा था और 2 महीने पहले उस घर को छोड़ के चला गया। शायद वहीं पे उसने लेटर हेड छोड़ा हो। फिर पुलिस वहां का जो लैंडलॉर्ड था उसके पास गए। वहां पे लैंडलॉर्ड ने कहा कि वार्डन के जाने के बाद 2 महीने तक तो कोई आया नहीं था वहां रहने, पर हाँ 1 महीने पहले 1 हफ्ते के लिए कोई अहमद फरीद नाम का आदमी रह तो रहा था। जब अहमद फरीद को पुलिस ने गीता के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया तब धर्म सिंह और सुनैना देवी ने झट से पहचान लिया। इससे ये कंफर्म हो गया कि अहमद ने ही गीता का मर्डर किया था। ये पहली बार था जब अहमद फरीद पकड़ा जा रहा था और वो भी सिर्फ उस लेटर हेड के वजह से। अहमद ने अपने लाइफ में ऐसे बहुत क्राइम किए, इनफैक्ट 40 साल
पर उसे कभी भी किसी चीज का अफसोस नहीं था। अहमद कहता था कि उसे कोई आवाज सुनाई देती थी जो ये सब कराती थी। अहमद ने अपने लाइफ में 40 से 50 बच्चों के साथ फिजिकल असॉल्ट किया और 10 का कत्ल किया, और उनके साथ भी वही हशर होता था जो गीता के साथ हुआ। वो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता। अहमद वहीं नहीं रुकता, वो उनके परिवार को एक लेटर लिखता जहाँ पे वो डिस्क्राइब करता कि उसने कैसे और कहाँ उनके बच्चों को काटा। रूथलेस। उसे ऐसा करने में बहुत मजा आता था, उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो गलत है। अहमद फरीद को साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा गया और टेस्ट रन करने के बाद पता चला कि वो एकदम नॉर्मल है, इसीलिए 1996 में उसे फांसी की सजा हो गई। जो जैसा करता है ना, उसको वही सजा मिलती है। चलो, मैं खुश हूं कि कोर्ट ने उसे कड़ी से कड़ी सजा दी ताकि उसकी तरह कोई और ऐसा क्राइम ना कर सके। गाइज, आई एम गेटिंग लेट फॉर माई पार्टी एंड आई गॉट टू गो। ओ, लिपस्टिक लगाना तो भूल ही गई। चलिए गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर नाइस इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी। टिल देन, adios from your lovely Iris Maiti.